हो। ऐ खुदावन्द हमारे खुदा, तेरा फरिश्ता हमारे पास ये पैगाम लाया है कि तेरा बेटा इंसान बना, हमें अपने पसंद से मबूल कर और लूका सामरी की छपाई से बख्श दे कि मसीह खुदावन्द की अजियत और सलीबी मौत हमें जीतने की अजमत तक पहुँचा दे, जहाँ वो तेरे साथ रूह कुदस की वाहदानियत में हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। आइए हम आज की पहली दुआ। उसका सात पाप दस था चौदह याद तक पढ़ेंगे। उस वक्त फिर खुदावंद ने आहाज से कलाम करके कहा कि खुदावंद अपने खुदा से कोई निशानी मांग, या तो नीचे घड़े में या ऊपर आसमान में। आहाज ने कहा मैं नहीं मांगूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा ऐ दाऊद के घराने अब सुनो, क्या तुम्हारे नजदीक ये छोटी बात है कि तुम आदमियों को बेजार करते हो, यहां तक कि तुम मेरे खुदा को भी बेजार करोगे। इसलिए खुदावंद खुद को तुमको निशान देगा, देखो कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, नाम जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद से खास कर
खुदावंत जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम में से हमारे